आंखों में डूबा बन जा मेरी ओ महबूबा। घुस जाओ दोनों, आज घुस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू उर्नींद्र सेवन व्लॉग्स। और आ गए ये क्लिनिक से आके, हाँ दोनों ये लोग अभी कप्पे वप्पे मार रहे हैं। मैंने पोते की तैयारी कर रही है। ए दिन रात एक ही टॉपिक रहता है। कल पता क्या शाम को थे जैसे कुछ बात चली, मैंने कहा अभी सोचे मम्मी कहते अभी एक और साल, मैंने कहा दो साल एक नहीं दो दिमाग। अरे मम्मी रुको ना, तुम्हें दिन रात एक ही धुन सवार रहते हैं। कल को पता चलेगा दिन रात एक है। तो यार अभी 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 यार इन लोगों को छोड़ा, अभी यार उपासना लेके आई थी, बहुत ही अच्छे अच्छे से कचौड़ी हमने खाई। कचौड़ी वो नहीं लग रही क्या पलती वो, मतलब उसने। अरे यार इन लोगों का ना पता एक ही टॉपिक रहता है, इनको छोड़ो यार। पता क्या, पता है उपासना, सच में कसम से अभी अभी तक ना मेरे को यहाँ पे सेंसेशन फील हो रही है जलने के। अरे तुम वो छोड़ो, मेरी ये उंगलियों में जो जलन थी ना चोलो चिपके, ये नेल्स के अंदर जो मसाला फंस गया था ना, इसने मेरी हालत खस्ता कर दी। और मेरे को ना अभी भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना फील हो रहा है। और सुबह तो आप लोग मत पूछो यार, जो मेरे को दिक्कत हुई है ना, तो यार प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। वैसे यार इनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, मेरे मुझे हर्ट वगैरह करने की, ये मत सोचना कि यार इन्होंने हर्ट वगैरह किया मेरे को या फिर ऐसा कुछ, बिल्कुल दिल पे मत लेना। ऐसी इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, इस बिचारी को भी नहीं पता था कि इतनी ज्यादा तीती है, वरना अगर इसे पता होती कि इतनी ज्यादा तीती है तो ये और अच्छे से प्रैंक करती। ये ना बहुत दुष्ट है, पता है बहुत दुष्ट है। अकेले अकेले खा रही है आइसक्रीम, मेरे को नहीं दे रही। दे मम्मी को, पता है अभी हम वो दिखा रहे हैं, वो जो लड़की है ना जिसने खुद से शादी वादी कर ली, तो अभी वो पास ना मम्मी को वो दिखा रहे हैं, तो ये खिलाने मेरे को दे। शर्म नहीं आई इसके साउंड करो। मम्मी देख क्या कर रही हो उपासना। इस शख्स को ये पता कि मैं झूठा नहीं खाती और इसने सारी चाट। पता क्या हुआ, मैंने ना इनसे ली कि सिर्फ एक बाइट लूंगा और फिर उसके बाद पता मैंने क्या करा, पचेगी नहीं, ठीक है, मरोड़ लगेंगे मरोड़। मैं बता रही हूँ मरोड़ लगेंगे, मेरे को लाके दो। मैं नहीं, मैं खा रही थी ना अभी। इतना बुरा हाल हो जाता है इस टाइम पे। मैं डर गया। बता इतने गोरे बंदे से डर गए तुम, चिट्टी चुड़ैल। शैंकी शैंकी मेरे को पता क्या बोलता है, चिट्टी चुड़ैल। हाँ इसका मतलब होता है कि सफेद चुड़ैल, तो चुड़ैल तो अक्सर सफेद ही होती। मेबी तो यार अभी ऐसे ज्यादा डर लग जाता है यार। अभी हम जा रहे हैं, अभी डिनर विनर करेंगे। होम रेमेडी, और बढ़िया होम रेमेडी है एक ऐसा ऑयल, मतलब एंटी सेलुलाइट ऑयल इस टाइम में एक बहुत बड़ा स्कैम भी है या बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम घर पे एक ऐसा ऑयल बना सकते हैं जो आपकी सारी चर्बी को बहुत अच्छे वे से हेल्प कर सकता है। जो लोग इवन ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं वो साथ में अगर इस ऑयल को बना के भी करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होगा। और आज मैंने बहुत अरसे बाद शॉपिंग की है, मेरे बेचारे ईयरफोन्स पिछले 2 महीने से खराब हो रहे थे, जो कि मैं आज परचेज करके लाई दोबारा से वन प्लस के, और कुर्ते लेके आई हूँ आज फाइनली। और ये मेरी कलेक्शन, बहुत ही सिंपल। वाओ बहुत अच्छे हैं सारे, बहुत अच्छे हैं। ए क्या बोलता तू, किसी को दौरे पड़ रखे हैं, किसी को दौरे पड़ रखे हैं, देखना देखो ना दौरे पड़ रखे हैं किसी को। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं एक मिनट मम्मी ये बंद कर दो। कल का जो प्रैंक था ना वो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि उसमें ना कुछ बहुत स्पेशल चीजें थी, क्योंकि जो प्रैंक करा था उसके ऊपर उल्टा प्रैंक हुआ है, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। अगर नहीं समझे तो एक बार दोबारा देख लेना। क्या करूं मैं बताओ, आप लोग बताओ क्या करूं मैं इन दोनों का। डिनर करने के बाद आके दोनों की दोनों ही ऐसे पसर गए हैं, ठीक है। ये इसका ध्यान अभी पता है यहाँ कैमरे में क्यों नहीं है, ये क्योंकि अभी सामने ये चल रहा है। तो यार वैसे खैर उपासना, आपने आपने देखा टॉम एंड जेरी? और क्या आपने देखा उपासना टॉम एंड जेरी?
मतलब ये ऐसा है ना कि कोई भी एज किसी भी एज का मैं ना ये चीज परसों तब तुम इसकी मूवी नहीं लगा रहे थे हाँ। मैं तब सोच रही थी मैंने कहा देखो इसकी जनरेशन आगे हमारे बच्चों की टॉम एंड जेरी हो गया ट्विटी लोनली ट्यून्स स्कूबी डू विडो ये तो ऐसे थे जो मतलब पावर ऑफ गर्ल्स सारा जो हम देखते और हमारे टाइम पे था ना अरुण जब हम बिल्कुल छोटे थे तब वो केबल की तार होती थी ये तो होते नहीं थे तो उसपे सहारा बनाता था चैनल एक सहारा वन पे शाम को 6 बजे जस्ट किड्स आता था 2 दिन अच्छा। सब लोग उसका वेट करते थे हम लोग मतलब हमने वो देखा है वहां से हम छोटे थे ना तो एक वो एक नाटक आता था हातिम हातिम तो हातिम तो यार बाद में शुरू हुआ पहले शक्तिमान फिर आर्यमान आर्यमान हातिम सुबह और संडे तो ऐसा था सुबह 7 बजे से चित्रहार चित्रहार कृष्णा हाँ। ये सारे मतलब एक सीक्वेंस में और रात को फिर याद है DD1 पे वो स्टार्ट हुआ था रात को 9 बजे आप बीती सैटरडे को आता था हाँ। हमारी पहली एनिवर्सरी हम इसको बहुत स्पेशल बनाने वाले हैं हालांकि हम 2-3 चीजों पे काम कर रहे हैं मैं चाहती हूँ कि अरुण परफॉर्मेंस दे एक अच्छी सी तो आप लोग अरुण को आइडिया देना कैसी परफॉर्मेंस नहीं एक अच्छी सी परफॉर्मेंस होगी एंड उसके साथ साथ यार एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट प्लान कर रहे हैं आप लोग बस भगवान से ऐसी दुआ करना कि भगवान जी बस सुन ले और वो गिफ्ट हम वहां तक पहुंच जाए तो मतलब मेरा ये है कि मैं उपासना को वो प्रेजेंट करूं इस एनिवर्सरी पे तो बस भगवान जी वो सुन ले नहीं यार वो गाड़ी वगैरह नहीं है उससे भी कुछ बहुत ही ऊपर की चीज है गाड़ी हमारा जैसे कि हमने पहले ही बताया कि गाड़ी हम प्लान कर रहे हैं लेकिन गाड़ी अभी हमने होल्ड पे डाल दी क्योंकि हम कुछ उससे बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं कुछ नहीं एक मर्द ऐसे ही दर्द सहता है हाय मेरे मर्द को दर्द हो रहा है हाय मेरे मर्द को दर्द हो रहा है ये नाटक डबल चेहरा दिखाते हुए लोगों के सामने प्यार दिखा रहे हो वो कर रहे हो कई लोग कहते हैं कि सर एक प्रैंक रिद्धि पे भी करो मैं कहता हूँ खुद ही एक प्रैंक है करेंगे ना ऐसा प्रैंक करेंगे ना जो फिर होगा ना ये खुद भी नहीं सोच रहे एक मिनट में करेंगे रिद्धि के साथ प्रैंक करने जाओ रिद्धि बता कैसे रो दो मैं सोचता हूँ कई बार कि तू खुद ही बेटा एक प्रैंक है तेरे पे क्या प्रैंक करे फिर देख ले जो हम करेंगे बेटे अगर मैंने काट लिया ना फिर लोग कहेंगे एनिमल्स वर हार्म्ड इन दिस वीडियो समझ में आया आँखों में डूबा बन जा मेरी तो महबूबा घुस जाओ दोनों आ जाओ घुस जाओ मेरे अंदर आ जा रिद्धि इसने सच में मार दिया इसने क्या तुम कम हो गया शर्म आनी चाहिए तो यार बहुत अरसे के बाद अभी बज रहे हैं 12:10 और हम लोग जा रहे हैं अब आज उपासना को नींद नहीं आ रही और मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया अपना पुराना टाइम याद किए हुए मैंने कहा यार चलते हैं मैगी वैगी बनाते थे यार मैं इसको लेके जा रहा हूँ आजा मेरा बाबू आजा बच गया तो अभी उपासना है और मैं जा रही नीचे लेकिन हमें मैगी बहुत आराम से बनानी पड़ेगी क्योंकि पापा मम्मी सो रहे हैं तो यार इट्स 12:26 एंड नीचे यार थैंक गॉड किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं हुई
और बन गई है बहुत ही ज्यादा यम्मी सी मैगी। बीच रात में छोड़ के चली गई थी, तो ठीक है कुछ नहीं आता है, धेल देगा, इतनी बेकार बना दी थी ये, तो भाई बाद में मैंने संभाला इस मैगी को, और ये देखने में और बहुत ही यम्मी लग रही है। इसको मैंने बहुत अच्छे से मध्यम मध्यम आँच पे पानी को रिझाया है, रिझाया। तो ये चुकी है सो, और मैं जा रहा हूँ व्लॉग एंड करने, मैगी का सेवन हो चुका है कंप्लीट। तो आप लोग एक काम करना, इस वीडियो को कर देना सबसे पहले तो लाइक, प्यारा सा छोड़ देना एक कमेंट, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर इसी के साथ आपको किसी भी तरीके की हेल्थ इश्यूज है, पिंपल, एक्ने, पाइल्स, या फिर अगर आपको इनफर्टिलिटी का इशू है, किसी भी तरीके का कोई भी हेल्थ इश्यू आपके आस पड़ोस में है ना, तब भी ये बस आपको नंबर देना है और इस पर व्हाट्सएप कर देना है। जो भी असिस्टेंट है डॉक्टर उपासना जी के, वो आपको रीच आउट करेंगे और आपकी समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। तो ठीक है यार, बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। गुड नाइट। मैगी छोड़ के आ गई थी, बनाते टाइम खाते टाइम तो आ गई थी।